हेलो गाइस, तो आज की वीडियो का टॉपिक है ये टर्टल वाइन। तो देख सकते हैं आप कैसे इसने पूरे पॉट को कवर कर रखा है और नीचे तक पूरी हैंग हो रही है, प्रॉपर चारों तरफ ऐसे गिर रही है ये, और बहुत ही फ्रेश है। और इसे लगाए हुए हो गए होंगे 20-22 दिन हो गए होंगे, और पूरी डायरेक्ट सनलाइट में है ये, और फैलती ही वही है जब इसको पूरा सरफेस मिले। जो सॉइल है स्पॉट की वो वेलवेंट सॉइल है, और डायरेक्ट सनलाइट में ये रहता है काफ़ी, 3-4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलती है इस प्लांट को। और मतलब कि देख सकते हैं कितनी नीचे तक फैली हुई, जितनी भी ये लीव्स निकल रही हैं बहुत ही फ्रेश फ्रेश लीव्स निकल रही हैं। और पानी मैं हर रोज़ दे रही हूँ इसको, हर रोज़ पानी दे रही हूँ। और लेकिन पानी का ये है कि पानी ड्रेन आउट बहुत जल्दी हो जाता है, और जितना पानी इसने पीना होता है पी लेते हैं, ये मिट्टी ऑब्जर्व कर लेती सारा, दूसरा बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है, पूरा कीचड़ नहीं बना रहता पॉट में, पूरा पानी निकल जाता है। और इसका ये फ़ायदा है जैसे कि यहाँ से हमने इतना ही, जैसे मैं बंच ले लूँ पूरा गुच्छा ले लूँ इसको काट के और दूसरे पॉट में रख दूँ, तो ऐसे नहीं कि उसकी लीव्स वगैरह पहले सूखेंगी फिर उसकी रूटिंग स्टार्ट होगी, कुछ नहीं ऐसा इसमें प्रोसेस। जैसे ही आप उसको काट के कहीं और लगाएंगे, साथ के साथ वहीं से नेक्स्ट डे वो अपनी न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर लेती है, उसी मतलब कि फ्लो में चलती है। ये ऐसे नहीं कि ग्रोथ रुकेगी नए पॉट में, कुछ नहीं है, साथ के साथ अपनी ग्रोथ पकड़ लेती है। बस इसको मिट्टी का टच चाहिए, जैसे मिट्टी और पानी के कॉन्टेक्ट में आती है ये उग जाती है अपने आप। और इवन कि मैंने तो किचन में भी रखा था 15-20 दिन के लिए, एक रात ही उसको निकाला है मैंने, तो पानी में लगाई थी वो मैंने, सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया था कि पानी में कैसी चल रही है वो, तो इतनी अच्छी ग्रोथ उसकी पानी में भी आ रही थी। यहीं से मैंने एक बंच लिया ऐसे, वो भी रूटिंग वाला नहीं, विदाउट रूट्स। रूट्स तो वैसे छोटी छोटी सारे में एरियल रूट्स होती हैं इसकी टहनियों में, छोटी छोटी हल्की सी, तो वो भी मतलब कोई सूखा नहीं कुछ नहीं, जैसे पानी में डाला फ्रेश ही रहा, और वहीं से उसने न्यू ग्रोथ अपनी स्टार्ट कर ली। और जो रूट्स हैं रूट्स भी काफ़ी उसमें डेवलप हो गई थी। तो मैं तो ये कहती हूँ इसकी सेमी शेडर्ड में, इंडोर का प्लांट तो ये है नहीं, इंडोर में इतना नहीं चलता, किचन में तो पानी में लगाया था इसलिए चल गया। और किचन की में हमारे बहुत ब्राइट लाइट भी रहती है, उसमें विंडोज़ हैं साइड में जहाँ से कि आफ्टरनून में डायरेक्ट सनलाइट भी आती है, इसलिए वो चल गया प्लांट। तो ये था इसका एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, कि बहुत ही ईजी टू प्रोपोगेट है और काफ़ी हार्डी प्लांट है, ऐसे नहीं है कि कोई ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। और क्रीपर है काफ़ी, मतलब ये सारे पॉट्स को कवर करने के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे कि ये पाम था, रिका पाम है, तो सिर्फ नीचे से तो पॉट पूरा खाली रहता है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब कितना ग्रीन ग्रीन पॉट लग रहा है, देखिए आप दूर से कितना अच्छी इसकी लुक आ रही है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और एक साइड मैंने वो लगाया था, इसी में ही 2-4 वैरायटीज और भी लगाई थी, लेकिन अब उनको निकाल लूँगी क्योंकि यही सबसे ज़्यादा लुक इसी की अच्छी आ रही है, बहुत ही प्यारी लुक आ रही है। देख सकते हैं आप इतनी फ्रेश फ्रेश लीव्स हैं, पानी में ग्रो करिए, मिट्टी में ग्रो करिए, और जो भी आपके पॉट्स खाली हैं उनको, और सारे भर जाते हैं पॉट्स भी अच्छे लगते हैं। और अगर आप मतलब कि वैसे गार्डन है, पार्क है पूरा प्रॉपर, तो ग्राउंड कवर के लिए भी ये प्लांट बहुत ही अच्छा रहता है। और हैंगिंग बास्केट में तो बात ही क्या है इसकी, बहुत ही अच्छा इसका निखार आता है, पूरी गिरती है नीचे को, लेकिन ट्रिमिंग जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा, थोड़े टाइम बाद थोड़ी सी ना ये सिर्फ पत्तियाँ सी कम होने लग जाती हैं इसकी, और ये पर्पल सी स्टेम सी दिखने लग जाती हैं जब हैंग होता है, जब हम हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो उसको हम जितनी जल्दी ट्रिम करेंगे उतनी फ्रेश फ्रेश लीव्स आती रहती हैं। और साथ में ये फर्न है, इसको लगाया था और इसको अब मैं अलग करने लगी हूँ, और इसी पॉट में काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए गए थे। और ये देखिए क्रोटोन को लीव से लगाया है, मुझे नहीं पता, अभी मैं इसको देखना भी नहीं चाहूँगी कि इसकी रूट्स डेवलप हुई हैं या नहीं, कोई आइडिया नहीं है मुझे। 1 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, 40-45 दिन हो गए हैं, लीफ वैसे की वैसी पड़ी है, वो आप लोगों के सामने है। अगर चल गया तो ज़रूर इसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन लीफ पड़ी है, लेकिन मैं निकाल के देखना नहीं चाहती इसको अभी, क्योंकि अगर रूटिंग हुई तो मैं नहीं चाहती कि रूटिंग उसकी ख़राब हो। तो ये देखिए साथ में मॉस रोज था लगाया साइड में, तो इसको तो अब मैं निकाल रही हूँ क्योंकि वो उसको बढ़ने नहीं दे रहा।
दूसरी वाइन इसकी वजह से बढ़ नहीं पा रही है, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ, दूसरे पॉट्स में लगा दूँगी। देखिए इसकी भी बहुत जल्दी रूट्स काफ़ी डिवेल्प कर लेती है, ये भी प्लांट तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको किसी और पॉट में कि सेपरेट कर दूँगी ना दोनों को, एक पॉट इसी का ही हो जाए। और ये देखिए पूरे ऐसे कैसे निकल गए पूरे गुच्छों में, तो एक पॉट में पूरे में किसी में ये लगा दूँगी। पहले एक्चुअली मैंने पानी में ये भी लगा के देखी थी, अभी भी लगी हुई है, उसका भी एक्सपीरियंस मैं दिखाऊंगी आप लोगों के साथ, शेयर करूंगी वीडियो। पानी में मैंने लगाई हुई है पोर्चुलिका, तो बहुत अच्छे से चल रही है, फ्लावरिंग वैसे ही करती है जितनी मिट्टी में करती है। ये भी एक आधी टहनी लगाई थी और देख रहे हैं आप, और निकालने से अभी निकली नहीं है, अभी चलेगी इसमें ये। और अभी रूट्स इसकी अंदर ही हैं, सारी टहनियाँ निकल नहीं पाई हैं मेरे से। अब इसको मिलेगी दूसरी वाइन को और अच्छे से चलेगी वो भी। मेरे ख्याल से तो मैंने निकाल दी हैं सारी, देख पा रहे हैं अब चारों तरफ से। इस तरफ ये थी मोज रोज था, तो इधर से वो बढ़ नहीं पा रही थी, अब इधर से भी बढ़ेगी अच्छे से, पूरी हैंग होगा तो चारों तरफ से पॉट और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इधर से तो आप देख ही रहे हैं कितना हरा भरा लग रहा है। काफ़ी हाइट पे, इतनी नीचे हैं इसकी रूट्स और काफ़ी हाइट पे ऊपर तक जाती है ये। तो गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया आप, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए करिए दूसरों के साथ, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए कि आपको जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये देखिए बहुत ही प्यारा प्लांट है ये। ओके गाइज़ मिलते हैं और वीडियोज़ के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।